एलएलआर हॉस्पिटल से हमारे सीनियर डॉक्टर श्री जी एस निश्चल जी, इस सुल्तानपुर एरिया के बहुत ही समाज के प्रति समर्पित और एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध रखने वाले श्री रोशन खेड़ा जी, हमारी इस कोशिश ब्लड सोसाइटी के संस्थापक सिंस 1997 श्री हरपाल सिंह जी, जो कि अभी 2 साल पहले यहाँ से एज एस एस सी रिटायर हो गए हैं, हमारी सिस्टर संस्थाएं पुनर्जोत संस्था आई डोनेशन के ये जो काम करते हैं, सेंट जॉन एम्बुलेंस के प्रतिनिधि डॉक्टर वीटीओ डॉक्टर प्रेम ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल कपूरथला, उनकी सारी टीम, हमारे सभी मेहमान लेडीज जेंट्स प्यारे बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कोशिश ब्लड रेस सोसाइटी की ओर से। तो जैसे कि वी आर रनिंग सम लेट, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल से टीम थोड़ी लेट आ गई थी, तो समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं दो हमारी बच्चियां हैं वॉलंटियर्स, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वेलकम सॉन्ग के लिए आए, खुशी और रिया, प्लीज वेट करो। जैसे कि हमने बताया कि हम पीसीएमई साहब के पास जब इनवाइट करने गए थे, ही वाज वेरी कीन, उनका कुछ कहना था कि मेरे लिए एक अलग ब्लड बना हुआ है, वांट टू गिव ब्लड, पर बहुत ही उत्साहित हुए थे भाई, और हमें बड़ा हौसला मिला उसके लिए, थैंक यू सर। और सर ने कोई यस कैप्ट हिज वर्ड्स, सबसे पहले उन्होंने अपना मीट किया, तो बिग एडवांटेज। तो वैसे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम सब कार्य करता है, उसके बाद में हमारे जो सेक्रेटरी हैं जी सिंह जी, वो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो कहते हैं ना कि ना जाने क्यों किसी का दुख किसी का दर्द अपना समझ लेते हैं कुछ लोग, ना जाने क्यों किसी का दुख किसी का दर्द अपना समझ लेते हैं कुछ लोग, ना रिश्ता खून का ना धर्म का ना रिवाज का ना जात पात का, फिर भी जीते जी रगदान और मरणोपरांत अंग दान करके रिश्ता इंसानियत का बना लेते हैं कुछ लोग। तो ये कुछ लोग हैं सर, और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं महान, सारे महान ही होते हैं। तो सैल्यूट टू ऑल ब्लड डोनर्स, खास करके जो लेडीज हैं और यंग डोनर्स हैं, सभी का वेलकम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीडियो श्री प्रेम जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज वो मंच पे आए। डॉक्टर प्रेम प्लीज सर, ब्लड डोनेशन क्यों और कैसे, इसके बारे में हमारे सिविल हॉस्पिटल से जो टीम आई है, वहाँ के जो इंचार्ज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर डॉक्टर प्रेम, वो आपके सामने कुछ मिथ्स या जो भी है ब्लड डोनेशन के बारे में बताएं प्लीज सर। डॉक्टर प्राइस जो गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर द गिविंग ऑफ सर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ लाइफ द ब्लड। जिमें आप सब जानते हैं कि खून का महादान है, जिस नाल असी किसी की भी जिंदगी बहुमूल्य जिंदगी बचा सकते हैं। अजकल के मेडिकल फील्ड में जो रिसर्चिज हो रही हैं या एडवांसिज हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली सू अच्छा ब्लड की रिक्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिमें कि नवे बीमारियां थैलेसीमिया हीमोफीलिया कैंसर ज
या कोई रोड साइड एक्सीडेंट है तो भी अगर वेहिकुलर ट्रैफिक इतना बढ़ गया तो रोड साइड एक्सीडेंट इस तरह बहुत किस्म की बीमारियाँ लगातार ये बढ़ रहा डिमांड ब्लड की, इस करके सोसाइटी की अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि असली वाद वॉलंटियर की अगे आइए और ब्लड टेस्ट करिए। आर सी एफ में सोचो कि सब हर साल ब्लड जरूर मिलता है, ब्लड डोनेशन कैंप जरूर मिलता है और समय समय जो भी सामने जरूरत होगी वैसे भी असं कॉल करिए सोसाइटी कोशिश ब्लड डोनेशन सोसाइटी के अपने वॉलंटियर भेजते हैं दो दो चार चार डोनर जाते हैं और बहुत अच्छा पता लगा था और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले को भी इस तरह की कैंप रखेंगे और साड़ी भी कोशिश होती है जो भी ना कोई कॉल आए या कोई पेशेंट ऐसा ना हो कि उसमें ब्लड की जरूरत है कोशिश कर रहे हैं कि अभी अवेलेबल करवाइए। पर ये आप जानते हैं कि ब्लड लगातार लगता है कि वही डिमांड असं नहीं पूरी कर सकते तो फिर असं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपना डोनर भेजो और फिर ही पेशेंट देना। टेक्निकल आस्पेक्ट्स बारे में दसूंगा कि ब्लड डोनेशन करने के फायदे थे और कौन कौन दे सकता। कोई भी व्यक्ति जिसकी 18-60 साल है जिसका भार 45 किलो है वो ब्लड दे सकता है। ब्लड देने लिए 5 से 10 मिनट स्वेयर करने के लिए स्वेयर को ब्रेकफास्ट टीका होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन वगैरह कोई दवाई किसी किस्म की नहीं चलनी चाहिए। ब्लड देने लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और जो ब्लड असं लेते हैं वो 350 ml होता कि 350 ml और 100 ml जो दवाई पहले होती है वो 450 और वॉल्यूम होता और अजकल असं डबल पैक लेते हैं। ये असी डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं जब प्लाज्मा और आर बी सी और डब्ल्यू बी सी या प्लेटलेट्स वगैरह अभी सैपरेट कर सकते हैं और जो कॉम्पोनेंट की यूज करना पेशेंट को ही देते हैं दिता जाता है। ब्लड देने लिए 10 मिनट कर रहे हैं कोई खास किस्म की डाइट की जरूरत नहीं है और पोस्ट डोनेशन पीरियड और अद्धा घंटा वेट करना और 4-5 घंटे लिक्विड डाइट ही ज़्यादा लेनी होती है। उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं मेरे कमजोरी आ जाएगी और हर 3 मंथ्स बाद वो दे सकते हैं ब्लड द्वारा रिलीव कर सकते। 3 मंथ्स इस करके है कि जो बॉडी जो स्टोर होते हैं आयरन स्टोर होते हैं वाइटमिन स्टोर होते हैं वो जो ब्लड बन जाता वो रिप्लेनिश करने का वक्त होता पूरा दिन पूरा हो जाता। तो पर ब्लड जो असं डोनेट करते हैं जी टूटी है वो 24 आवर विच बॉडी दोबारा बना लेती है वो एच बी पी पूरा हो जाता है सेल्स भी पूरे हो जाते हैं और प्लाज्मा जो होगा होगा वो भी बॉडी ब्लड होगा 24 घंटे पूरा हो जाता है। इस करके मतलब थोड़ा आने वाली कोई जरूरत नहीं होती कि ब्लड लेता या कमजोरी जो असं ब्लड लेके जाते हैं ये असं 5-6 किस्म दी बीमारियों के टेस्ट कर रहे हैं जैसे कि कारपीलिया हेपेटाइटिस बी सी पीलिया मलेरिया सो ये सारी बॉडी की स्क्रीनिंग भी हो जाती है और क्योंकि ये इन्फेक्शन करवाने होंगे या रिलेटेड पहले के लिए पता ही चलता पेशेंट दोनों के मैं बीमारी भी हैगी है तो कई बाद जो डोनेट करते हैं वो फिर पता चलता है। वैसे ये भी मैं दसना चाहता क्योंकि टेक्निकल आस्पेक्ट सर हो जा रही है मेनली अवेयरनेस की जरूरत है कि सूँ वो तो वह ही ब्लड देना चाहिए क्योंकि ये भी स्टडी हुई है वो जो ब्लड जनरली बंदा आप डोनेट करता वो सिर्फ ब्लड है जो पेशेंट दाखिल है उसके मरीज असं पॉसिबल कहते हैं कि लेके आओ अस ब्लड देना लेना तो उस वे कई बार कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं डोनर नहीं भी हल्दी फिर भी लेना पैंता इस करके उन्होंने इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे तो इस करके स्वेच्छा अनुसार ही ब्लड देना चाहिए और यही सेफ है और साड़ी सोसाइटी को यही इसी चीज़ की जरूरत है अवेयरनेस और एजुकेशन। सो एक बार फिर मैं
और ज्यादा कोशिश उत्तराखंड से आज के आप स्टाफ ने केवल ने सारा आज उत्तराखंड देव करके और के सेवा का मौका मिला। थैंक यू के हम तो इनके लिए कैप देते हैं, लेकिन हमें जब भी जरूरत होती है आज के परिवार को, चाहे वो रिलेटिव है चाहे हमारा कोई स्टाफ मेंबर है, तो वहाँ से कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। जब भी जरूरत होती है तो तुरंत हमें ब्लड उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए सोना जी थैंक यू। हमारे बीच सी डब्ल्यू फिनिशिंग श्री एस के शर्मा जी भी हैं, कि प्लीज सर वो भी रीड करवा के अभी भी आए, तो प्लीज सर थोड़ा टाइम के लिए आप थोड़ा इस पर आइए डॉक्टर जी एस मुंशी जी के साथ। हमारा जो रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट है वो पीर बाबा सोसाइटी, जो मेरी वाले पीर बाबा सोसाइटी है उनकी ओर से है, उनके प्रधान रंजीत सिंह जी हमारे बीच में हैं, तो मैं कहूँगा कि उनके लिए तालियों के साथ धन्यवाद करें। हमारा ये जो अरेंजमेंट है ऐसे ऐसे शहीद रंजीत सिंह इंस्टीट्यूट वर्कर्स क्लब के सेक्रेटरी हैं भारती जी, अंदेश जी, उनका भी स्वागत है, उनके ही प्रोत्साहन से हमें ये आज मुहैया हो पाई है। क्लब कल तक जहाँ बच्चों का समर कैंप चल रहा था रात को तकरीबन 9 बजे के बाद हमें मिला, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। हमारे बीच बी के फार्मेसी से जो एक ब्लड ब्लड डोनेशन सोसाइटी चलाते हैं उनके मिस्टर पीपल हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत है। प्रेस की ओर से प्रेस रिपोर्टर हमारे सोनी जी हैं बीच में हमारे बीच शामिल है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच पी एल बी हुसैनपुर ब्रांच से इनके जो मैनेजर श्री गुलशन जी, ही हैज डोनेटेड 57 टाइम्स हमारे साथ खड़े, तो मैं कैसी सचिव को सलाम करता हूँ, वेलकम सर। हमारी सोसाइटी में हमने इनके साथ टच किया था तो देखा है मैंने, इन्होंने कुछ हमें फाइनेंस भी किया था कि फाइनेंस पे इनका हमारा और लिखा भी हुआ है कि पी एल बी हुसैनपुर ब्रांच, तो आपका भी स्वागत है सर। हमारे एक साथी मिस्टर एन के शर्मा व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पे होते हुए भी हमारे साथ, मैं सैल्यूट करता हूँ दोस्तों, बहुत हौसला सही करते हैं, टाइम दे करके भी, धन से भी, मन से भी, जो एस एस सी है हमारे फिनिशिंग कॉलेज में, तो वेलकम सेम। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए हमारी और बेटी है मान्या सिंह, मान्या सिंह वो भी एक छोटा सा अपना सॉन्ग लिखेगी, तो वेरी थैंक्स टू हर कि इनको भी मैंने रात को कहा था आओ बच्चे शाम में। वेलकम टू आवर फ्रेंड हियर फ्रॉम कोशिश ब्लड डोनेशन सोसाइटी, आई एम मान्या फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड, टुडे आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ सॉन्ग। स्वागतम मंगल स्वागतम चीफ मैकेनिकल इंजीनियर आरसीएफ
सिविल हॉस्पिटल की टीम श्री बीटीओ श्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हमारे एलएल हॉस्पिटल से उचेचे तौर पर पहुंचे डॉक्टर जे एस निजल जी, हमारे सीडब्ल्यू साहब श्री एस के शर्मा जी, श्री पर सिंह जी सीनियर ईपीडीएम और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड रोशन खेड़ा जी जो कि स्टेट कॉर्पोरेशन पार्टी है टीचर्स एसोसिएशन के प्रेजिडेंट और प्रेस क्लब पंजाब के वाइस प्रेजिडेंट और समय समय पर कहानियां भी लिख दिया दो तीन दिन गोष्ठी आई ने वो भी साढ़े कोल पहुंची है और अज साढ़े विराजमान श्री गुलशन शर्मा जी मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक आरसीएफ वो भी उचेचे तौर पर पहुंचे है, श्री तरलोचन सोढ़ी जी जो पत्रकार है अजीत और बख बख संस्थाव के आगू साहबान पहुंचे है और साड़िया चैरिटेबल सोसाइटीज पुनर्जोत और बी के फार्मेसी के साथी पहुंचे है और साड़ी संस्था के रेगुलर डोनर्स और उन्होंने परिवार मेरिया भैन और बच्चिया सब तो साढ़े शर्मा जी पहुंचे है। मैं सब तो पहले तो अपने इन्हों सारे डोनर्स सैल्यूट करता हूँ और दिल दिया गहराइया से मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पहुंचकर इस संस्था का मार्गदर्शन किया है। मैं अपनी बात कहने से पहले ये जो संस्था है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे इंस्पेक्टर प्रधान जी श्री हरपाल सिंह जी जो अक्टूबर 2007 में रिटायर हो गए हैं और सेटल हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर में, लेकिन इनका जो मार्गदर्शन है वो लगातार हमें रहता है। वो पिछले तीन दिन से लगातार इस कैंप को सफल बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो कोशिश अनुदान संस्था है इसकी नींव 1997 में श्री हरपाल सिंह जी द्वारा रखी गई और वो एक ऐसा समय था जब खूनदान देने से लोग डरते थे और खूनदान के अगर जरूरत किसी को होती थी इवन के अगर देखिए रिलेटिव और फ्रेंड भी वो चले जाते थे। उस समय पर उन्होंने शुरुआत की और इतनी एमरजेंसी सिचुएशन में इन्होंने मतलब ये कारवां को आगे बढ़ाया, लोग जुड़ते रहे और कारवां बढ़ता गया और आज सर हमारे पास 200 से प्लस रेगुलर डोनर्स हैं। ये जो ब्लड के साथ साथ आजकल एक बहुत एमरजेंसी में प्लेटलेट की जरूरत रहती है डेंगू के समय में, तो ये संस्था लगातार प्रयास करती रहती है कि आरसीएफ आला दौला जलंधर पंजाब इवन के दिल्ली तक कभी भी किसी को एमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो लगातार हमारे डोनर्स तैयार रहते हैं। तो सर मैं वैसे तो 10 से 15 यूनिट हर महीने हमारे डोनर डोनेट करते हैं एमरजेंसी में, लेकिन मैं इस बार ये डिसाइड किया है कि दो तीन एग्जांपल जो सबसे टफ सिचुएशन में जो पेशेंट थे वो रहे तो उनकी मैं जहाँ पे जरूर देना चाहूँगा। सर हमारे बलदेव राज जी हैं सेक्रेटरी टू जीएम, पिछले साल उनकी मिसेज को एमरजेंसी जरूरत पड़ी और उनका ब्लड 4 ग्राम रह गया था, वो थे जम्मू हॉस्पिटल में थे जलंधर, तो हम भी हमें दोपहर को पता चल गया था कि उनकी एमरजेंसी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है कि वो उनका एचपी कम हो रहा है कि ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं किसी ऑफिसर्स के पास बैठा था शाम को 4 बजे जैसे ही मेरे को फोन आया कि वो बहुत सीरियस हो
चार ग्राउंड में घूम रहे हैं और एक हॉस्टल की जरूरत है, तो हमने डॉलर तैयार किए हुए थे और यहाँ से 35 मिनट में हम जम्मू हॉस्पिटल में पहुंचकर और एक घंटे के बीच बीच पहला जो यूनिट है वो डोनेट किया एक हॉस्पिटल का, जहाँ से मैं गया था और हमारी टीम के मेंबर गए थे और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो उन्होंने शुक्राना किया था तो प्रयास के लोगों को बुलाया था, तो एक ये एसिस्ट है जो संस्था की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मतलब उन्होंने की है। और दूसरी सर हमारे यहाँ पे श्री आर एन पवार साहब चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टोर थे, पिछले साल रिटायर हुए, उनकी किडनी की से प्रॉब्लम है उनको और उनको लगातार ब्लड की जरूरत रहती है। पिछले साल उनको 2-3 जून सेकंड हाफ हॉस्पिटल में दिए थे और पिछले महीने उनको जरूरत पड़ी, उनका एच बी कम हो गया आई बी वाई हॉस्पिटल मोहाली में, तो उन्होंने फोन हमें किया और हमने नेक्स्ट डॉक्टर भेजे और तो उन्होंने भी जो आज आना था तो वो भी अच्छी पोजीशन में है मैडम, तो उन्होंने पवार साहब ने योगदान भी हमें भेजा है इस कैंप के ऊपर। और तीसरा सर जो मैं बताना चाहूँगा प्लेटलेट के बारे में, पिछले 30 अक्टूबर को हमारे यहाँ श्री रामपाल से जी एसएससी हैं, उनको डेंगू की प्रॉब्लम हुई, एक दिन पहले 17,000 थे प्लेटलेट, नेक्स्ट डे 50,000 आए और तीसरे दिन 40,000 35,000 जैसे आए, तो आसिफ हॉस्पिटल से वो टैगोर हॉस्पिटल में रेफर हुए। जब जाके शाम को मेरे को पता चला, उन्होंने बताया, तो हमने जलंधर से डॉनर को फोन किया प्लेटलेट के डॉनर्स को, तो वो जो डॉनर है जैसे वो रात को हम भी 8:30 पहुंचे तो जब शुरुआत हुई, क्योंकि प्लेटलेट में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेसी रहती है कि बीन्स जो वो अच्छी मिलनी चाहिए तभी वो डोनेट कर सकता है प्लेटलेट, तो जैसे रात को 10 बजे शुरू करने लगे तो वो लड़का यंग था उसकी वो बीन नहीं मिली और रात को 11 बज गए और 15,000 प्लेटलेट रह गए, तो 10 बजे हमने हमारे साथी के पीछे बैठे हुए थे, मैं सलूट करता हूँ उनको, राजेश कुमार जी तेरे ऊपर खड़े भी होते अजय जी मेरा वीकेंड हो जाए, तो इनको मैंने 10:30 फोन किया जहाँ से गाड़ी से लेके जाके इनकी भीड़ मिलती हो पोस्टमेंट का, तो रात को 1:30 बजे जो है प्लेटलेट मतलब डोनेट हुए और 2 बजे लगवाए और हमारे जो राजपाल से भी है वो भी अभी इसी नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाले हैं, तो वो भी बहुत स्वस्थ है। तो ये जो सर हमारे जो ब्लाटर प्लेटलेट की जो एमरजेंसी हालात में हमारे डॉक्टर्स हैं वो रहते हैं, तो मैं अपने डॉक्टर्स और उनके परिवारों को सैल्यूट करता हूँ कि जब भी हम आधी रात को भी बुलाते हैं तो वो लगातार ये जो सेवा मानव सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो इस वाली इसी अचीवमेंट के ऊपर हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया है कि जो ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है इस बार ये भाई कन्हैया सेवा वार 2019 हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी डिटेल में हमारे जो हमारे स्टेट अवार्डी और नेशनल अवार्डी हैं श्री रोशन खेड़ा जी, इनकी देख रेख में वो होगा। और इन्होंने बोला था कि जब आपके डोनर्स इतनी मेहनत और इतनी डेडिकेशन से जाते हैं तो आपको एक मोटिवेशन के लिए हर साल एक डॉनर जरूर वो अवार्ड देना है जो लगातार इसकी आउटस्टैंडिंग सर्विस रही है। तो बाकी जो इसके बारे में और ये रोशन खेड़ा जी बताएंगे, और हमने इनको इस बार ही कहा है कि आपने डिसाइड करना है कि कौन इस बार का स्टेट अवार्डी होगा 2019 से, क्योंकि रिस्पेक्टेड सिंह सर 2011 में हमने जहीं से शुरू किया था ब्लड प्रेशर कैंप, पहले हमारे श्री अलोक दवे सीएम ही साथ थे, उन्होंने यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे शुरुआत करवाई थी और उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया था, और मैं सीएम जी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जैसे हम पहली बार जब सीएम साहब को मिले गए एसोसिएशन तौर पे, तो सीएम साहब ने सबसे पहले पूछा कि यार तो ब्लड डोनेशन संस्था यहाँ पे है, क्योंकि खड़गपुर में बहुत बड़े उन्होंने बोला है, बताया थे साहब कि एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 125
ब्लड डोनेशन संस्थाएं काम कर रही हैं। तो जैसे ही हमने बताया तो सामने हमें बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने बोला कि आप ब्लड कैसे डोनेट करते हो, कहाँ तक जाते हो और जरूरत पड़ती है तो आपको वाइट से एमरजेंसी जरूरत है कहाँ पे वो लेते हो। तो उसके बारे में हमने बताया कि सिविल हॉस्पिटल की टीम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि थैलेसीमिया के पेशेंट है बहुत और उनको रेगुलर जरूरत रहती है। हम जो गर्मियों में इसलिए कैंप देते हैं क्योंकि जो गर्मियों में स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहते हैं तो ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है। तो पिछले महीने डॉक्टर साहब ने बताया कि करीबन 200 से 250-300 पर मंथ की रिक्वायरमेंट है जो सिविल हॉस्पिटल की है। तो ये जो सिविल हॉस्पिटल की टीम है ये बहुत ही मेहनती है और डॉक्टर साहब के साथ हमारा टच रहता है। अगर संडे का एमरजेंसी बाई चांस सिविल हॉस्पिटल में हमें जरूरत रहती है तो लगातार ये जो हमारी पूर्ति करते रहते हैं ब्लड की। और सर एक जो इस संस्था ने और लगातार एक प्रयास किया है जहाँ पे एक सुखजीत आश्रम है कपूरथला में, बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं। हमारे पिछले 4 साल पहले डीसी साहब ने और एडिशनल सेशन जज साहब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने हमें बुलाया कि वो जो सुखजीत आश्रम की जो हालत है वहाँ पे मेंटली रिटायर्ड बच्चे रहते हैं तो उनकी बहुत बुरी हालत थी उस आश्रम की। जैसे वहाँ पे हमारी टीम गई प्रधान जी गए तो प्रधान जी ने वहाँ शुरू की तो आज वो देखने वाली एक पोजिशन में है और इतने बड़े बड़े खड्डे और गंद पड़ा हुआ था, जो टॉयलेट थे वो बिल्कुल ख़राब थे, जो पानी ऐसे गंदा बिखरा हुआ था, जो सीवरेज के मतलब जो ढक्कन सब टूटे हुए थे। तो लगातार प्रधान जी की देख रेख में 4 साल में वो काम किया है हमने। और एक वहाँ पे एक पार्क है वो हर्बल पार्क बनाई है ताकि जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे उस पार्क में जिन्हें अगर कोई चीज़ खा भी ले वो भी जो है फ्री हो उनके लिए सही रहे, हर मतलब प्लांट हमने ले रहे हैं तो वो भी लगातार सेवा चल रही है। तो मैं हमारे सभी ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी छुट्टी के दिन या किसी दिन जरूर वहाँ पे विजिट करें और कोशिश ब्लड सोसाइटी को अगर और भी कोई सजेशन की जरूरत है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम करेंगे। तो डॉक्टर सर एक हमने अभी प्रसाद जी से सलाह करके किया है कि जैसे मानवता की सेवा के लिए एमरजेंसी में ब्लड डोनेट करते हैं ऐसे वातावरण को भी सही रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो प्रधान जी ने सलाह हमें दी है कि जितने आपके ब्लड डोनेट आप पूरे साल में करते हो तो उस दान के लिए कोशिश आप करो कि एक एक प्ली भी चलो आरसीएम में तो बहुत है, आरसीएम के बाहर एक एक प्लांट भी आप लगाओ उस ब्लड डोनर के लिए जो ब्लड डोनेट करके आए ताकि हम इस सृष्टि को भी आगे अच्छा बना सकें। तो जैसा हमारी गतिविधियां हैं और हम चाहेंगे अगर आपका अगुवाई और मार्गदर्शन रहेगा और हमारे डॉनर लगातार हमारे साथ जे जो मानव सेवा के लिए बढ़ते रहेंगे तो हम जे जो एमरजेंसी में किसी को भी प्रॉब्लम है, वैसे तो कहते हैं ब्लड की कभी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए परंतु ये कहने की बात है जब एमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो हमने देखा है उस पेशेंट और उस पेशेंट के परिवार का क्या हाल होता है। तो लेकिन हमारे डॉनर जब जाते हैं तो उनका सीना बिल्कुल फूल जाता है और जब वो डोनेट होकर उनका पेशेंट स्वस्थ होकर घर चला जाता है तो फिर वो एसोसिएशन को जरूर याद भी करते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे आए भी हुए जिनको अपने एमरजेंसी में ब्लड वगैरह डोनेट किया है। तो मैं आज के इस दिन पर सब सारे जो आए हुए ऑडियंस हैं और हमारे ऑफिसर सहमान हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि इस मानवता को समर्पित जो हमने ये कैंप लगाया उसमें हमारा मार्गदर्शन किया है। इतना कहता हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सिविल हॉस्पिटल को आए मीडिया साहब सिविल हॉस्पिटल जनरल और बाकी सारे कोशिश ब्लड डोनेशन सोसाइटी के मेंबर्स ऑफिसर्स
पैंडल का हो कुछ आज कोशिश सेवा सोसाइटी वालों जो 11वां कोऑर्डिनेशन कैंप लगाया जा रहा है इसके अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारा उत्साह देखने नहीं मिल रहा है जब मैं आया तो बाहर इस चंगी तरह सजाया हुआ है अलग अलग जगह पे देख कर डिस्प्ले किए हुए तो देख के बहुत ही मानी सुकून मिलता ये तो रिफ्लैक्ट होता कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है जो कॉर्पोरेशन के बारे है विस्तार के साहब ने वास्तविकता जारी कुछ एक पॉइंट है जो कि आप जनरल पब्लिक को उन्होंने बारे में दसना कि जो ब्लड है आप इसकी बाहर रानी को पहचानते हैं कि बाहर रानी को बाहर रानी के कणा करके इन कणा की जो लाइफ है सिर्फ 120 दिन है तो 120 दिनों के लिए रिप्लेस होनी है कि जहाँ पर आप अपने अंदर ही प्लेस होगी नहीं कि आप डोनेट कर सकते जो डोनेट करेंगे तो किसी को लाइफ देंगे तो इसके नाल आप एक नहीं कई जाना बचा सकते जिवें डॉक्टर साहब ने दसिया कि ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट के जो चौदह पैदा करते हैं सैपरेट करते हैं तो दैट मीनस कि उसके अलग अलग लोगों को आप ब्लड एक दवाई के तौर पर ले सकते हैं जो कि एक नहीं कई जाना चाहिए एक बंदे लेडी के साढ़े 4 लीटर तो 4 लीटर तक का चलता जिसके आप 300 ml ब्लड दान करना तो 300 ml जो ब्लड है वो इमीडिएटली अपने फ्लूड इनटेक रिप्लेस हो जाता तो दैट मीनस कि आपई शरीरक तौर पर कमजोरी नहीं आती कोई भी व्यक्ति जो 18 साल तो ज़्यादा उम्र का है लेडी है या पुरुष है जो ब्लड डोनेट कर सकता देखना चाहिए इस जगह पर तो बहुत सारे ब्लड डोनर्स हैं जिन्हें सेंट्री साहब ने दसिया साढ़े परमानेंट ब्लड डोनर है जिन्होंने कि रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं ये बहुत ही खुशी वाली गल है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज सैक्टर अपने लिए लोगों की भलाई का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये जान के मैं अच ही पता लगा तो बहुत ज़्यादा खुशी की ब्लड के जो कंपोनेंट है इन्होंने अलग अलग तरह के लिए यूज कर सकते हैं जो डोनेशन आई टीम कलैक्ट करके ले जाती है ये नहीं है कि सीधा ब्लड देते हैं कई बार अपने सोशल मीडिया इन्हें पढ़ने पड़ता कि पैसे ले जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है हरेक पैसे जो होता है फॉरवर्ड नहीं करना होता पहला होता है पढ़ के घोट कर नहीं सकता जब हमें कोई भी ब्लड डोनर जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो वे काफ़ी तरह के टेस्ट करते हैं 5-6 तरह के टेस्ट जिन्हों की कीमत होती है जो आपने पता नहीं करनी होगी वो टेस्ट करने तो बाद फिर उन्होंने फिटनेस पूछी जाती कि ब्लड फिट फॉर कंजम्पशन जाए लगाने हो गए दवाई के उपर एक्सपायरी डेट लिखे सब कुछ लिखा जो आप लेने तो वह भी चेक करते हैं तो पहला डीपीओ साहब मैं सारे चेक करके आते हैं कि अपने को एक्सपायरी का ब्लड उसने सारी मेनटेनेंस लिए खर्चा रखना करके जो आप ब्लड लैन जाते हैं तो कुछ पैसे फीस उन्होंने रखी वो देने पैदा वो जरूरी नहीं है इस तरह है कि बाकी बहुत सारा डिटेल के साहब ने दस दिया कि अपने वजह जो कोशिश की जा रही कोशिश डोनेशन सोसाइटी वालों बहुत ही अच्छी है तो आस है कि इन्ने सालों को यह कर रहे हैं अगे इस तू वध चढ़ के कोशिश करते रहने इसके नाल ही सारे आए सज्जन जिन्होंने बड़ा अपडेट किया सारिया का बहुत ये मत कहो खुदा से कि मुश्किल नहीं है ये मत कहो खुदा से कि मुश्किल नहीं
जानते हैं
ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਲ ਲੇਡਸ ਟੇਨਰ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਜੂਨ 1868 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਖੂਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸੋਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਨਵ ਕਿ ਜਾਤ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਡੋਨਸ ਲਾਈਨ ਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਆ ਲੋਕ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਭਰਾ ਵਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਬਲੀ ਜੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਬਲੀ ਆ ਚਾਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਗਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਘੁਮਾ ਲੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 200 ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਪਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰਨਾ ਪੜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜੀ ਚੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ
ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 22 ਵਜੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨੇਚਰ ਅੰਪੈਸ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੰਪੈਸ ਮੈਨ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਭੰਗੂੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭੂਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਖੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਅੱਜ 200 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਪੌਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਖ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਗੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ ਵਗੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੀਵ ਜਗਾਇਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸੇਵਾ ਅਵਾਰਡ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਬੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ 100 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ 60 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੰਦ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿਰਾਗ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਡੋਨਰਸ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1100 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਮਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ ਔਰ ਮੰਗਲ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੜ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਮ ਈ ਆਰ ਸੀ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਸ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਲ ਆਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਸੁਨੇਜਰ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਲਾ ਤੋਂ ਬੀ ਡੀ ਓ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਈ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਤੋਂ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਐਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਖੇੜਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਚਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ ਕੇ ਫਾਰਮੈਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ 1997 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਨਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਬੋਤਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੂਨਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੂਨਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਵੰਜਾ ਪਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡੋਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਵਾਲੀ ਬਲੱਡ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਸਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ
ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਲੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੂਨਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ 200 ਡੋਨਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਡੋਨਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਪਸਥਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਨ, ਉਪਸਥਿਤ ਸਭੀ ਦੇਵੀਓ, ਸੱਜਣੋ, ਬੱਚੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ।
इस तरह से ऐसा जोर मैं आशा करता हूँ कि यहाँ भी मौका मिलेगा यहाँ भी कपूरथला में आपको कि अथक प्रयत्न से सभी के आशीर्वाद और सभी के पार्टिसिपेशन से यहाँ भी ऐसा ही माहौल मिलेगा। मेरी आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोशिश ब्लड डोनेशन सोसाइटी, आज मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ एंड बड़े होकर मैं भी अपना ब्लड डोनेट करूँगी। थैंक यू। टुडे देर इज अ ब्लड डोनेशन कैंप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कोशिश ब्लड ग्रुप सोसाइटी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ब्लड डोनेशन इज द ग्रेट डोनेशन इन द वर्ल्ड। देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड इन द वर्ल्ड। So it is a great donation. Everybody should donate the blood. Blood is very valuable in the case of emergency. When there is a requirement, it can save the life of a people. So people should donate the blood voluntarily. I welcome each all volunteers in the Kosis Blood Group Society, Rail Coach Factory, Kapurthala. Thank you very much. Kosis ब्लड ग्रुप सोसाइटी, मैं हर साल कोशिश करूंगी कि मैं भी रक्तदान मैं ब्लड दूँ। हर साल मैं कोशिश करूंगी कि मैं ब्लड दान दूँ। थैंक यू। हेलो, आज मैंने कोशिश ब्लड डोनेशन सोसाइटी के लिए पहली बार अपनी लाइफ टाइम में ब्लड डोनेट किया। माय ओपिनियन इज दैट वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। किसी की मदद करने से हमारा चाहे कुछ नहीं जाता, पर किसी के लिए बहुत ही खुशी की बात, और वो इंसान हमारे लिए उम्र भर खुश गुजार रहता है। इस वजह से हमें हमेशा खूनदान करना चाहिए। खून हम 3 महीने में एक बार दे सकते हैं, और मुझे आज खून देकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। इससे कोई कमज़ोरी, किसी तरह की कमज़ोरी नहीं महसूस होती, और मैं चाहूँगी कि आप सब भी हमारी सोसाइटी के लिए ये नोबल कॉज की तरफ कुछ करें, और सभी को खून देना चाहिए। ऑल द हेल्दी पीपल अबव 18 शुड डोनेट ब्लड वंस एवरी 3 मंथ्स। थैंक यू। मेरी एज हैगी है 52 ईयर। मैं पहली बारी खून दान दिता है खुशी वाले ने। मैनू पहली बारी खून दान दें मैं बड़ा ही फर्क महसूस होया कि मैं अपने देश लई, अपने किसी पुराने लई कि मैं खून दान दिता है। मैं इस सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि जेड़े हर साल दे साल लोगों को खून लैके लोगों की जिंदगी बचाते हैं। मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में
एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर काम करता हूँ। मैं पहली बार यहाँ ब्लड डोनेट किया है और आप सबको बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट करने से कोई भी वीकनेस फील नहीं होती है। और मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को भी कि आप लोग ब्लड डोनेट करें, जो किसी के जीवन के काम आएगा। इसके लिए मैं वर्कर क्लब का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने कोशिश शिविर इधर लगाया है ब्लड का, और बहुत सी जानें बच सकती हैं। हम डोनेट कर रहे हैं ब्लड, मैं इनका बहुत आभारी हूँ वर्कर क्लब वालों का। मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं घट तो घट 10 बार ब्लड डोनेट किया है। ब्लड देने का मतलब होंगे भी किसी की अपनी जिंदगी बचाना। साडा ब्लड डोनेट किया किसी एक जिंदगी नहीं, पता कि जिंदगी बच सकती। यही डोनेट ब्लड साढ़े जो शहीद जो फौजी है बार्डर से लड़ते हैं उन्होंने भी ये ब्लड जाए तो उन्हें जान बच जाए, यही साढ़े लिए बहुत बड़ी खुशी है। सो पूरी टीम वालों जनता टीवी का मैं जनतक टीवी का मैं धन्यवाद करता हाँ जो इस नमाने जाए प्रोग्राम सिरे चढ़ने की कोशिश की। एक एक जिंदगी का खून आप कितनी जाने बचा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सिमी जुनेजा, 49 एज है और मैं मिनिमम 31 टाइम्स ब्लड दे चुकी हूँ इस टाइम तक, और मैंने बहुत अच्छा भी लगता है मैं ब्लड दे के कि किसी का काम आता है। और मैं कोशिश क्लब नाल जुड़ी हुई हूँ, मैंने बहुत अच्छा लगा, पर इन्होंने हो थोड़ा वधे हो अच्छा लगेगा, और मैं हमेशा इदा ही ब्लड डोनेट करते रहूँगी। मैं अश्विनी जुनेजा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से अपनी कोशिश ब्लड सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारी जो सोसाइटी है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, किसी को भी इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ये उसी टाइम उनका साथ देते हैं, और हमारे जो साथी हैं बहुत अच्छे हैं। और मैंने 42 बार ब्लड डोनेट किया है, और मैं दूसरे साथियों से भी कहता हूँ कि ब्लड देना चाहिए जो कि हमारे ज़रूरतमंद साथियों को काम आ सके, इससे शरीर में कोई कमी कमजोरी नहीं महसूस होती। थैंक यू, मैं ब्लड कोशिश ग्रुप का फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ। मानवता नूं समर्पित अज हर साल की तरह 11वां ब्लड डोनेशन कैंप जो कि रेल कोच फैक्ट्री के साहबजादा अजीत सिंह इंस्टीट्यूट विखे चल रहा है। कोशिश ब्लड डोनेशन सोसायटी हमेशा ही तत्पर रहती है कि एमरजेंसी के विच समूह RCF और आले दुआले खूनदान एमरजेंसी के विच कभी भी किसी को जरूरत रहती है करती रहे। तो अज जिहड़े खूनदान साथी देन आए सी वो करीब 75 दे करीब अज डोनेशन होई हैगी आ, और साडी संस्था ने यह तहैया किया आ कि एमरजेंसी के विच कभी भी जरूरत पैंदी हैगी आ आला दुआला समूह पंजाब और पूरे भारतवर्ष के विच जिथे जिथे भी साडे डोनर हैगे आ वो लगातार इस खूनदान मुहिम के विच हिस्सा लेंदे रहिंदे आ। मैं अज दे इस मौके ते अपनी पूरी समूह टीम साडे प्रधान हरपाल सिंह जी और समूह टीम जिन्हां दी मेहनत सदका ये अपना कैंप सफल होया आ इन्हां सारयां नूं धन्नवाद दिंदा, और ये भी अपील करदा कि इस मानवता दे काम दे विच सदा अगे वधदे रहना हैगा। और अज दे इस मौके ते एक बहुत वड्डी खुशी दी ये भी गल है कि संस्था ने भाई कन्हैया सेवा अवार्ड 2019 शुरू किया आ, जिस दे विच साडे संस्था के बानी सरदार हरपाल सिंह जी नूं चुनिया गया, और ये साडे लई बहुत माण दी गल है। और असी आने वाले समय के विच जो भी खूनदानी इस मानवता रूपी लहर दे विच काम करदा रहेगा उन्हूं भी असी भाई कन्हैया अवार्ड दे नाल सन्मानित करदे रहांगे। और साडे जिहड़ी संस्था हैगी आ खूनदान दे नाल नाल सुखजीत आश्रम विखे जो कि कपूरथला विच मंदबुद्धि बच्चों लई बनाया गया उहदी सेवा दे विच भी समर्पित है। तो अज दे इस मौके ते मैं समूह RCF वासियां नूं और समूह साडी सारी टीम नूं बहुत धन्नवाद करदा, और होर जिहड़ियां संस्थावां जिहदे विच साहिबजादा अजीत सिंह इंस्टीट्यूट और साहिबजादा जिहड़ी हैगी आ अपने शहीद भगत सिंह इंस्टीट्यूट SC ST एसोसीएशन BK फार्मेसी ते साथिया आ सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड
ਔਰ ਪੁਨਰਜੋਤ ਸੰਸਥਾ ਔਰ LLR ਹੋਸਪਿਟਲ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ RCF ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਰੂਪੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਖੂਨਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੂਨਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੂਨਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੇਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖੈੜਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਸਾਥੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੰਸਥਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਜੁੜਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਓਂ ਕਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਾ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਨਕਾ ਸਭੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਜ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਕੋ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਕੋ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਂ ਮਦਦ ਕੀ ਹੈ ਹਮ ਸਭੀ ਸਾਥੀਓਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਇਸਮੇ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਹਮੇਂ ਹੋਸ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਥੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੀ ਇਸਮੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭੀ RCF ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸਭੀ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਖੜੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਜਬ ਵੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਹੋਣੇ ਕੀ ਬਲੱਡ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਹੈ ਹਮ ਹਮਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਹਮ ਆਪ ਸਭੀ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਭੀ ਵੀ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ, ਬਲੱਡ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ ਔਰ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ ਹਮ ਆਪਕੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एज ए प्रेस सेक्रेटरी कोशिश ब्लड सोसाइटी, मुझे बहुत सम्मान महसूस होता है इस सोसाइटी के साथ जुड़ने के लिए, और वेरी वेल डन, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे भी इसका हिस्सा बनके बहुत खुशी महसूस होती है और अपने आप पे सम्मान महसूस होता है। तो ये ऐसे चलता रहना चाहिए और चलेगा भी। तो आई एम प्राउड ऑफ टू बी अ मेम्बर ऑफ कोशिश ब्लड सोसाइटी। सो लॉन्ग लिव कोशिश ब्लड सोसाइटी, ऐसे ही काम करती रहेगी और आगे बढ़ते रहेंगे। शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू ऑल। डोनेशन सोसाइटी रेल कोच फैक्ट्री एक मानवता का काम कर रही है, और एक खून जिहड़ा कि मतलब कि दूसरों की जिंदगी सेव करता है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। और ये संस्था जिहड़ी आ, मैं आस करदा कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और इस तरीके मानवता के कामों पर लगी रहे। धन्यवाद। रहीम ने बड़ी अच्छी बात कही है, रहमन वे नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। अर्थात वो पुरुष जो दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, वाहे गुरु उनकी हर कामना हमेशा पूरी करता है। ये कोशिश ब्लड डोनेशन सोसाइटी कोच फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रही है, वो हमारे संत पुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल रही है, और हम उस वाहेगुरुदेव से अरदास करते हैं कि ये सोसाइटी दिन दूनी रात दूनी तरक्की करे। नमस्कार। कोशिश खूनदान संस्था जो RCF की है, इन्होंने बहुत अच्छी एक कोशिश की है सबको जीवनदान देने की, और ये कोशिश हम सबको करनी चाहिए। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो खून है ये देना ज़रूरी क्यों है। ये देना ज़रूरी इसलिए है कि खून जो है उसको कभी भी किसी भी सिंथेटिक तरीके से या कृत्रिम तरीके से बनाया नहीं जा सकता, इसलिए हम सबको खूनदान करना चाहिए। और हमारा एक जो यूनिट हम देते हैं वो कम से कम भी 3 या 4 लोगों की जान बचा सकता है। और हमारे ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, इनकी बहुत अच्छी कोशिश है और हम हमेशा इनके साथ जुड़ते हैं, और जुड़ना चाहिए। और आइए सब लोग जुड़िए, और सब लोग जितना हो सके उतना बढ़ चढ़ कर खूनदान कीजिए, और लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को ज़िंदगी प्रदान कीजिए। धन्यवाद। हेलो, आज कोशिश ब्लड डोनेशन कैंप सोसाइटी RCF कपूरथला वालों ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। हर साल की तरह ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे ने कि ब्लड डोनेशन फील्ड विच सिविल हॉस्पिटल कपूरथला ब्लड बैंक नू इन्हां दी सेवावां दिंदे रहिंदे ने, और असी इन्हां दा इस खेत्र विच योगदान लई धन्नवाद करदे हां। और ब्लड डोनेशन कैंप लई जो जरूरी है, वह सब तो पहला कि वलंटरी ब्लड डोनर्स ने, वलंटरी ब्लड डोनर्स जो साड़ी मेन रीढ़ की हड्डी है साढ़े ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक्स की, जो कि स्वय इच्छा के अनुसार अपना ब्लड देंगे। कोई भी व्यक्ति जो जिसकी उम्र 18 तो 60 साल हो, जिसने ब्रेकफास्ट किया हो, कोई मेडिसन वगैरह ना चलती हो, कोई किस गंभीर या कोई इन्फेक्शन वगैरह बुखार या इस तरह की कोई एलमेंट ना हो, बंदा व्यक्ति चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, वो सारे ब्लड दे सकते हैं। ब्लड देने लिए 5 तो 10 मिनट लगते हैं, और कोई 2-4 तरह के टेस्ट होंगे, HB और स्क्रीनिंग या उसका भार कितना है इस तरह पूछते हैं डॉक्टर, उस तो बाद वो ब्लड दे सकता। 5-10 मिनट का प्रोसैस है, और उस तो बाद कोई भी खास किस्म की कोई डाइट की जरूरत नहीं है। लिक्विड डाइट लेनी और अद्धा घंटा आराम करने तो बाद अपना रोज़मर्रा का काम कर सकता है, तो हर 3 महीने बाद अपना वो ब्लड डोनेट कर सकता है। वो ब्लड देने तो बाद उसते कई तरह के टेस्ट होंगे है, जिमें HIV, हैपेटाइटिस BC और BDRL, मलेरिया, इन बीमारियों की जाँच होने तो बाद ही वो किसी डोनर नू ब्लड दिता जाता है। इस करके सानू ब्लड देने दे मानवता की सेवा तो अलावा अपने लिए भी फायदा आया,
कोई इस तरह की हिडन एलमेंट होवे बीमारी होवे उसका भी पता चलता है और उस तो बाद साडे होर दूसरे लाभ जिमें ब्लड प्रैशर जां ओबेसिटी है भार अजकल भार वधदा है जां कोलेस्ट्रोल वध जांदा है इन्हां बीमारियों तो भी बचा जा सकता है। इन्हां शब्दों का मैं जी धन्यवाद करता हाँ। मैं कोशिश सोसायटी का बहुत धन्यवाद हाँ जिन्होंने सानू इत्थे सेवा का मौका दिता। अगे भी असी इन्हां दे पीर बाबा सोसायटी वालों अगे भी सेवा जारी रहेगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का सैकटरी साहब का और पूरे डॉक्टर टीम जो आई है कपूरथले तो उन्हों का धन्यवाद करता मैं।